शाहरुख खान की फिल्म पठान ने जो 1000 करोड़ का रिकॉर्ड बनाया है इसे तोड़ने में सालों नहीं बल्कि कुछ महीने ही लगने वाले हैं। एंड ये कौन सी फिल्म होगी? शाहरुख खान की जवान। एंड ये फिल्म 1000 क्या भाई 2000 करोड़ पार जाए, क्योंकि यार जवान से जुड़ी 10 ऐसे दिमाग घुमा देने वाले फैक्ट बताने वाला हूं जिसे जानने के बाद आप बोलेंगे अबे 2000 करोड़ भी कम है इस फिल्म के लिए। तो दिल थाम करके बैठ जाओ, कुर्सी की पेटी बांध लो, चलो वीडियो को शुरू करता है, लाइक का बटन दबा करके। फैक्ट नंबर 1, तमिल इंडस्ट्रीज के सबसे बड़े सुपरस्टार यानी कि थालापति विजय जवान फिल्म में आज कैमियो रोल में नजर आएंगे, जिसे पठान फिल्म में सलमान खान आए थे एंड अलग ही जलवा था। ऐसा ही जलवा हमें देखने को मिलने वाला है थालापति विजय एंड शाहरुख खान को एक साथ एंड दीपिका पादुकोण भी इस फिल्म में नजर आने वाली है। फैक्ट नंबर 2, इस फिल्म के विलन कौन है भाई? साउथ इंडस्ट्रीज के एक नंबर विलन, एक्टिंग के गॉड माने जाने वाले विजय सेतुपति। शाहरुख खान ने खुद इंटरव्यू में कहा था भाई कि मैं खुद इनसे सीखता हूं, इतनी अच्छी एक्टिंग करते हैं विजय सेतुपति। एंड भाई पहली बार होने जा रहा है शाहरुख खान एंड विजय सेतुपति बॉक्स ऑफिस पर आग लगा जाएंगे। रीजन नंबर 3, डायरेक्टर अतेली, जो सिर्फ और सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर फिल्में देने के लिए जाने जाते हैं, चाहे हो मार्शल, बिगिल, तुप्पाकाई। एंड इस बार वो लेकर के आए हैं शाहरुख खान के साथ जवान। एंड ये भाई ऐसे वैसे डायरेक्टर नहीं है, एस शंकर के साथ रहते हुए इन्होंने डायरेक्टिंग का काम सीखा है। एंड भाई एक नंबर डायरेक्टर है ये साउथ इंडस्ट्रीज के। फैक्ट नंबर 4, भाई फिल्म की बात चले एंड म्यूजिक की बात ना हो ऐसा कैसे होने वाला है? इस फिल्म में जो म्यूजिक देने वाले हैं अनिरुद्ध रविचंद्रन, जिन्होंने भाई मास्टर बीस्ट एंड विक्रम में वो जो रोलेक्स वाला बीजीएम था ना, यही बनाए हैं। एंड इस बार भाई जवान का जो टीजर रिलीज हुआ था उसमें भी क्या तगड़ा म्यूजिक दिया है, एक नंबर काम किया है। यहाँ तक कि भाई इस फिल्म का म्यूजिक का काम पहले दिया जा रहा था एआर रहमान को, लेकिन इन्होंने उनको भी बीट कर दिया, उनसे भी एक लेवल आगे चले गए। रीजन नंबर 5, मूवी बजट 300 करोड़। यस, मास बजट, पठान की बजट 250 करोड़ थी, इसकी तो 300 करोड़ पार है। एंड इतनी बिग बजट बिग एक्शन फिल्म बना रहे हैं तो इससे अंदाजा लगा लो इस फिल्म के एक्शन सीक्वेंस, इस फिल्म के शॉट, इस फिल्म के विजुअल कितने ज्यादा एक नंबर होने वाले हैं। एंड जब विजुअल्स की बात चली रही है तो फैक्ट 6 भी बता दो, इस फिल्म में जो VFX का काम संभाला है इंडिया की नंबर 1 VFX प्रोडक्शन कंपनी रेड चिली VFX, जिन्होंने फैन, जीरो एंड रावण में तगड़ा VFX वाला काम किया था। एंड इस फिल्म में भाई अब तक का बेस्ट ऑफ द बेस्ट आउटपुट VFX में जवान फिल्म में हमें देखने को मिलने वाला है। एंड रेड चिली VFX के मामले में कभी निराश नहीं करती भाई, एकदम हॉलीवुड जैसा कंटेंट प्रोवाइड करती है। फैक्ट नंबर 7, हीरोइन नयनतारा द एवरग्रीन साउथ एक्ट्रेस, जो भाई अभी तक अपने जलवे बिखेरते आ रहे हैं शाहरुख खान के साथ, इनकी जोड़ी सालों बाद सच होने जा रही है। एक बार इंटरव्यू में पूछा भी गया था नयनतारा के साथ कि क्या आप शाहरुख खान के साथ फिल्म बनाना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा था कि ये मौका मिले तो कौन जाने देगा, एंड वो मौका आ चुका है, ड्रीम कम्स ट्रू हो चुका है। फैक्ट नंबर 8, भाई शाहरुख खान 3 साल बाद इतना तगड़ा कमबैक किए पठान के बाद, एंड माहौल एकदम गर्मा चुका है, ये जो स्टेडियम का लेवल है वो सुपर से ऊपर जा चुका है। एंड शाहरुख खान ने जो वर्ल्ड वाइड लेवल पर धमाका मचाया है भाई, पूरे दुनिया में जितने लोग टॉम क्रूज को नहीं जानते उससे ज्यादा शाहरुख खान को जानते, इतना ज्यादा ये बंदा फेमस है वर्ल्ड वाइड, तभी तो इसे द ग्लोबल स्टार कहा जाता है। एंड इस फिल्म में हमें एक शाहरुख खान नहीं बल्कि दो दिखने वाले, यानी कि बाप बेटे का रोल ये खुद ही करने वाले हैं। एंड अतेली बहुत सारी फिल्मों में ये जलवे दिखा चुके हैं, मार्शल फिल्म में दिखाया था, बिगिल में भी दिखाया था, एंड अब बारी है जवान की। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों एक फिल्म को हिट कराने में स्टोरी, VFX, एक्टर जितना ज्यादा रोल अदा करते हैं फिल्म में, साथ ही साथ एक बहुत बड़ा हिस्सा रहता है एंटरटेन करने में कॉमेडियन एक्टर्स के थ्रू, तो इस फिल्म में भाई 2 तगड़े कॉमेडियंस नजर आने वाले हैं। पहले भाई साउथ इंडस्ट्रीज के सबसे फेमस अभी के टाइम पे साउथ कॉमेडियन योगी बाबू एंड जो बॉलीवुड से आए हैं यानी कि हमारे डॉक्टर सुनील ग्रोवर, ये 2 तगड़े एक्टर यार हमें हंसाते हुए नजर आने वाले हैं इस फिल्म में। एंड रीजन नंबर 10, जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, अगर पठान फिल्म को देखे तो जितना ज्यादा अच्छा कलेक्शन ये फिल्म ने नॉर्थ इंडिया में किया है साउथ इंडिया में ना के बराबर है, यानी कि साउथ में उतना ज्यादा सपोर्ट नहीं मिला इस फिल्म को, लगभग कुल मिला तो 10-15 करोड़ रुपए ये सिर्फ और सिर्फ साउथ इंडिया से कमा के दी है। लेकिन ये जो जवान फिल्म है ये द परफेक्ट पैन इंडिया फिल्म होने वाली है, हीरोइन साउथ इंडस्ट्रीज से, विलन साउथ इंडस्ट्रीज से, बॉलीवुड से है शाहरुख खान द ग्लोबल स्टार, साउथ के डायरेक्टर एंड एक्टर एक्ट्रेस बहुत साउथ एंड बॉलीवुड, एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट तो भाई शाहरुख खान का A1 लेवल, इतनी ज्यादा तगड़ी प्रमोशन की जाएगी ये फिल्म भाई द परफेक्ट पैन इंडिया उभर कर आएगी, क्योंकि जो क्रेज बाहुबली, KGF एंड RRR में देखने को मिला था उससे कहीं ज्यादा तगड़ा बवाल धमाल मचाने वाली है ये फिल्म, द परफेक्ट पैन इंडिया फिल्म होने जा
आ रही है एंड इसे कोई नहीं रोक सकता। 1000-2000 करोड़ तो भाई अभी से लिख के ले लो। एंड आप कमेंट बॉक्स में ये बताओ कि आपका कौन सा फेवरेट फैक्ट जो काफी ज्यादा आपको पसंद आया। एंड इस वीडियो को यार लाइक किए बगैर कहीं जाना नहीं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और बता देना कि शाहरुख खान की कहानी खत्म नहीं बल्कि शुरू होती है। एंड प्लीज सब्सक्राइब टू ब्लॉकबस्टर बैटल्स एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन फॉर द डेली ऑसम वीडियोस। एंड आपने अभी तक पठान के बाद स्पाई यूनिवर्स में क्या होने वाला है इसके लिए ये राइट साइड वाली वीडियो देख लो। एंड थालापति विजय के तगड़े फैन हो तो उनकी तगड़ी फिल्म का प्रोमो आउट हुआ है लियो, उसके लिए लेफ्ट साइड वाली वीडियो देख लो अभी के अभी।